हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेना। तो स्वनेज का सफ़र हुआ हमारा ख़त्म अभी, और हम वापस जा रहे हैं क्या कॉफ कैसल की ओर। और जो कॉफ कैसल है वो वेहम और स्वनेज के बीच में एक बहुत ही छोटा सा एक गांव है। तो चलिए देखते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम कॉफ कैसल विलेज में आ चुके हैं, और एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ के। देखिए ये घरों के ये दरवाजे, ये देखिए कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं यहाँ के, इतनी ही छोटी सी खिड़कियाँ हैं। इतने छोटे दरवाजे हैं कि मेरी जो हाइट है, मुझे अंदर घुसने के लिए अपना सर झुकाना पड़ेगा। चर्च समझ में आ रहा है। पूरा एंशिएंट एंशिएंट एक व्यू है पूरे विलेज का। विलेज स्टोर्स ये गांव है, ये 10th सेंचुरी का गांव है। 1160 में बन के तैयार हुआ था। और वो जो आप दूर एक कैसल देख रहे हैं, थोड़ा टूटा फूटा कैसल, वो इस गांव के एकदम ऊपर में सिचुएटेड है। और इस जगह का नाम कॉफ इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये जो पहाड़ है ये और ये गांव है, इसके बीच में एक डिफरेंस है। इस पहाड़ और इस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए इस जगह का नाम कॉफ यानी कि कर्व से पड़ा हुआ है। और इस कैसल के रुइंस होने के पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण है कि ये इंग्लिश पावर का एक सेकेंड सोर्स बन जा रहा था। मैंने गवर्नमेंट एक जगह रूल कर रही थी और ये गवर्नमेंट का एक सेकेंड पार्ट बन जा रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसको उसको कर्व करने के लिए, उसके उसके पावर्स को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इंग्लिश सिविल वॉर चले। इंग्लिश सिविल वॉर में इस जगह को पूरा तरह से धराशायी कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो एक सेकेंड जो पावर का के रूप में जो उठ रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके। इस कैसल की एंट्री फीस है 10 पाउंड्स ईच फॉर अडल्ट्स, एंड बच्चों के लिए है 5 पाउंड्स जो कि हैं 5 साल से अबव। तो मेरा बेटा है एकदम फ्री। अभी हम ऊपर जाएंगे एकदम नीचे से ऊपर। मेरा बेटा ऑलरेडी एनर्जी से भरपूर। ये यूके का मोस्ट रुइंड मॉन्यूमेंट है। कॉफ कैसल का जो पूरा एरिया है ये देखिए, ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। और इस पूरे कैसल को 3 वार्ड में बांटा गया है। ये एकदम पहाड़ के टॉप में ये कैसल बनाया गया था, जो कि अभी रुइंस बचा है। रुइंस की ही वैल्यू है ज्यादा, देखिए जब कुछ चला जाता है उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाती है। देखिए ये कॉफ कैसल जो है, कैसल कैसल विलेज के एकदम जस्ट ऊपर में है। जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम, इस जगह का नाम कॉफ इसलिए है कि कैसल से नीचे जाने के लिए में एक कर्व या एक गड्ढा जैसा है, गैप है, उस गैप के वजह से इस जगह का नाम कॉफ कैसल पड़ गया है। और देखिए बहुत ही सुंदर सा एक व्यू। अभी अभी हम पूरे टॉप में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत ही एक सुंदर सा व्यू है। अभी जो भी रुइंस बची है, गवर्नमेंट इसको उसी तरफ बचा के रखना चाहती है, इसीलिए ये ग्रेड 1 लिस्टेड बिल्डिंग है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिटेन है। क्योंकि ये डॉर्सेट एरिया है, और डॉर्सेट एरिया में आपको इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ जिसमें फार्मिंग होते हुए बड़े बड़े दूर दूर घर दिखाई देंगे। ये डॉर्सेट एरिया का एक खास पहचान है, ग्रीनरी से भरे पहाड़ और साथ ही बड़े बड़े पेड़ पौधे।
आप दूर देख सकते हैं कैसल कॉफ का एक चर्च। चलिए थोड़ा कॉफ कैसल का थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो ये इस कैसल की जो फाउंडेशन है वो विलियम द कॉन्करर ने रखी थी 11th सेंचुरी में, और फिर 12th और 13th सेंचुरी में इस कैसल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। 12th सेंचुरी में बनाया गया है, पत्थरों को काट काट के स्टेयर्स बनाए गए हैं, सीढ़ीज बनाई गई हैं। देखिए कैसल ही कितना बड़ा था। Come here. There is dark everywhere. We need flashlight. Do you want to see what's in the jungle, mommy? Do you want to see what's in the jungle? हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये तो राजस्थान का कोई महल लग रहा है जैसे करण अर्जुन में शूटिंग हुई थी बाबू नो इस जगह में आके अभी ये भी एक बार भी और भी पता चला कि ये सिर्फ एक कैसल नहीं था, ये एक जेल खाना प्रिजनर हॉल भी था। एक किंग हेनरी ने अपने एक बड़े भाई को भी यहाँ पे कैद करके रखा था। उसके बाद काफ़ी सारे उसके बाद जो किंग क्वींस जो भी लेडीज़ यहाँ आई उन्होंने इस कैसल का यूज़ किया, मिसयूज़ किया, प्रिजन बनाया। उसके बाद इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं कलरफुल है, सब तरीके के रंग इस कैसल ने देखे हैं और अभी ये इस हाल में है। फर्स्ट ने 1572 में इस कैसल को बेच दिया था। फिर इस कैसल को एक सर जॉन बैंक्स ने 1635 में खरीदा। इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान ये बैंक्स फैमिली की प्रॉपर्टी थी और ये फैमिली वेस्टमिंस्टर क्राउन की काफ़ी लॉयल फैमिली थी। तो सेकेंड सिविल वॉर में इंग्लिश ट्रूप्स ने बैंक्स फैमिली को एक सेफ पैसेज देकर इस कैसल से बाहर निकलवा लिया और फिर पार्लियामेंट्री एक्ट की मदद से कैसल को इंजीनियर्स ने अंदर से ही उड़ा दिया। हिल्स का नाम है, ये जितने भी आप पास में हिल्स देख रहे हैं ये हिल जिस हिल में ये है पर्वक हिल्स। तो इन हिल्स की वजह से भी इस कैसल की एक वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तो एक स्ट्रेटेजिक एक इम्पोर्टेंस मिल जाता है, पूरे के पूरे विलेज के ऊपर देखने का नज़र रखने का एक यहाँ पे चांस मिल जाता है। और आप देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी भी बहुत ऊपर तक नहीं आई हूँ।
ना कोई एक झरोके को ना को रूम्स थे। क्वीन एलिजाबेथ ने के टाइम में इसको बहुत, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया था करीबन 4,000 पाउंड में। और आप देखिए उस तरफ एक स्टीम इंजन जा रही है। आइकॉनिक स्टीम इंजन है और एकदम सही मौके पे आज मैं यहाँ पहुंच गई। धुआं उड़ाते हुए, अरे वाह, आपने सुना साउंड, चली गई। देखते हैं थोड़ी देर और आगे जाके, देखते हैं मिलता है कैसा नजारा उसका। ये देखिए बेहतरीन नजारा। किस तरफ से निकल रही, किस तरफ से जा रही, पूरे भूल भूल रही है जैसे ही लग रहा है। चलती हूँ मैं, मुझे ही डर लग रहा है। इसी के साथ ही कॉफ कैसल का हमारा ये टूर यहीं खत्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस छोटे से चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।